ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ऑप्शन बताएंगे नहीं बताइए। दिनकर जी का जन्म किस सन में हुआ था? 1908। दिनकर का जन्म किस प्रांत में हुआ था? बिहार। बिहार था मतलब सिमरिया मुंगेर गांव था, बिहार जिला था यानी बिहार प्रांत, राज्य प्रांत राज्य को कहते हैं। पर दिनकर का जन्म बिहार के किस प्रांत के किस जिले में हुआ था? बिहार प्रांत के किस जिले में? मुंगेर। गांव कौन सा था? सिमरिया। दिनकर की प्रथम रचना कौन सी है? रेणुकार स्मृति हुंकार वारदौली विजय, कौन सी प्रथम रचना है? वारदौली विजय इनकी प्रथम रचना है। दिनकर किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल, छायावाद, भक्ति काल, वीर गाथा काल, कौन सा काल था? आधुनिक काल के कवि हैं। आधुनिक काल में आपका कहाँ से चलता है? भारतेंदु युग से आधुनिक काल चल रहा होता है इधर तक। उर्वशी के रचनाकार कौन हैं? उर्वशी रामधारी सिंह। दिनकर का क्या है? खंड काव्य है, महाकाव्य है, क्या है? महाकाव्य है। दिनकर किस प्रकार के कवि हैं? प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, छायावादी, अवसरवादी। तो प्रगतिवादी, क्योंकि ये छायावाद के बाद चला था और इस प्रगतिवादी युग के बाद प्रयोगवाद चला था। फिर अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, उर्वशी। तो किस पर मिला था? उर्वशी पर मिला था। उर्वशी महाकाव्य है। दिनकर के पिता का क्या नाम था? रवि सिंह। रवि सिंह, कहीं कहीं पर रविनाथ सिंह भी लिखा है। दिनकर किस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे? पटना, आगरा, दिल्ली, कानपुर, भागलपुर। तो भागलपुर यूनिवर्सिटी के वो क्या रहे थे? कुलपति रहे थे। कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर हैं। कुरुक्षेत्र की कथा वस्तु का विभाजन किस रूप में हुआ है? कांड हैं, सर्ग हैं, अध्याय हैं, अंक हैं। कुरुक्षेत्र में सर्ग हैं, कितने सर्ग हैं? 6 सर्ग हैं टोटल, और छठा सर्ग जो है अंतिम सर्ग है और वो तुम्हारे सिलेबस में है। नहीं नहीं, कुरुक्षेत्र में 7 सर्ग हैं, ठीक है, 7 सर्ग हैं और छठा सर्ग जो है तुम्हारे उसमें सिलेबस में है, ठीक, 7। दिनकर की मृत्यु कब हुई थी? 1974 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर हैं। और कौन सी रचना इसमें दिनकर की नहीं है? रेणुका हुंकार, कुरुक्षेत्र स्वंती, रश्मिरथी, सामधेनी, निर्जा बेला, कौन सी नहीं है? तो रेणुका हुंकार तो है ही है इनकी, कुरुक्षेत्र स्वंती ही है, रश्मिरथी सामधेनी है, निर्जा, निर्जा किसकी है? महादेवी। और बेला, हाँ निराला की, बेला अर्चना निराला की कर। अब है इसमें कौन सी रचना दिनकर की गद्य रचना नहीं है? ऑप्शन है द्वंद्व गीत, उजली आग, संस्कृति के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर। गद्य रचना नहीं है, द्वंद्व गीत। द्वंद्व गीत पद्य है, बाकी सब गद्य रचनाएं हैं, ठीक है। उजली आग, संस्कृति के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर, ये गद्य रचनाएं हैं। दिनकर का कुरुक्षेत्र किस प्रकार का काव्य है? खंड काव्य है, चरित काव्य है, मुक्तक काव्य है, महाकाव्य है। तो ये कुरुक्षेत्र खंड काव्य है। दिनकर जी को कौन सी रचना जिन महाकाव्य है? रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, रसवंती। उर्वशी महाकाव्य है। ओज और पौरुष का कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। भारत सरकार ने दिनकर को उनकी किस सेवा पर पद्म भूषण से नवाजा था यानी अलंकृत किया था?
तो साहित्यिक सेवाओं के लिए दिनकर को पद्म भूषण का पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया गया था। कलिंग विजय कविता रामधारी सिंह दिनकर की कविता है। मेरे नगपति मेरे विशाल किसकी है? दिनकर की है। और दिनकर की तो है लेकिन ली कहाँ से गई है? कविता की पुकार हिमालय, कलिंग विजय कुरुक्षेत्र, कलिंग हिमालय से ली गई है। ठीक है। फिर है, कुरुक्षेत्र का कौन सा सर्ग आपके पाठ्यक्रम में है? छठा सर्ग है, षष्ठम सर्ग। दिनकर की इन रचनाओं में कौन सी रचना खंड काव्य है? कुरुक्षेत्र खंड काव्य है। दिनकर जी का जन्म किस सन में हुआ था? 1908 में। कहाँ? बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में। प्रथम रचना वारदौली विजय। कौन से काल के कवि हैं? तो आधुनिक काल के कवि हैं। उर्वशी के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। कौन सा युग था? प्रगतिवादी युग था। ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी पर मिला था। रविनाथ सिंह इनके पिता थे। भागलपुर विश्वविद्यालय में दिनकर जी कुलपति रहे थे। देखो वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, ये आते हैं, यही सब ऐसे ही आएंगे एग्जाम में। कुरुक्षेत्र की कथा वस्तु का विभाजन सर्गों में हुआ है। कुरुक्षेत्र में कुल 7 सर्ग हैं और किस प्रकार का काव्य है? तो कुरुक्षेत्र खंड काव्य है। और दिनकर किस युग के कवि हैं? तो इनको छायावादोत्तर युग भी कहा जाता है प्रगतिवाद को, तो छायावादोत्तर युग कह दो चाहे प्रगतिवाद कह दो। छठा सर्ग आपके पाठ्यक्रम में कुरुक्षेत्र का है और संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक दिनकर जी हैं। रसवंती सामधेनी परशुराम की प्रतिज्ञा, ये सब रचनाएं दिनकर की हैं। रेणुका भी दिनकर की रचना है। हुंकार रश्मिरथी, इसके भी दिनकर हैं। और दिनकर का अर्थ क्या होता है? सूर्य। दिनकर के समीक्षात्मक ग्रंथ का नाम क्या है? तो संस्कृति के 4 अध्याय समीक्षात्मक ग्रंथ है, ये लिख लो। दिनकर की मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हो गई थी। प्रमुख काव्य रचनाओं में रेणुका, हुंकार, रसवंती, उर्वशी, सामधेनी, रश्मि रश्मिरथी इत्यादि इनकी जो है रचनाएं हैं, सब इनकी काव्य भाषा खड़ी बोली है। हाँ, संस्कृत के 4 अध्याय समीक्षात्मक कृति है, गद्य कृति है। दिनकर का अर्थ सूर्य होता है।